नमस्कार, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीजीपीएसई मेंस 2023 को टारगेट करते हुए केमिस्ट्री के सिलेबस में हम किस प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो पास्ट ईयर की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के आधार पर हम थोड़ा समझ सकते हैं कि प्रश्नों का उत्तर किस तरह लिखा जाए सो दैट कि आपको ज्यादा मार्क्स मिले। तो हमने आज के सेशन में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है और इस प्रश्नों को यहां पर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं तो बेसिकली तीन महत्वपूर्ण सेगमेंट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट है आपका यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य है और उसमें आप देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को पढ़ना होता है। इससे रिलेटेड ये दो जो हेडिंग देख रहे हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य, ये मान लीजिए ये आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, क्योंकि गारंटीड यहां से या रियर आफ्टर ईयर जो है यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहां पर नाउ ऑनवर्ड्स भी 2023 में भी पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल सुनिश्चित मैं कर देता हूं। नाउ दूसरी बात कि सेकंड जो सेगमेंट होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेकर है, हम उस पार्ट को लेकर भी अच्छी तरह से कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और तीसरा जो सेगमेंट होता है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन, जिसमें अल्कोहल और एसिड को पढ़ना होता है और उसी केमिकल कंपाउंड पर बेस्ड जो पॉलीमर्स बनते हैं, बहुलक बनते हैं, वो चीजों को हमको पढ़ना होता है। तो एक छोटा सा सिलेबस है, इस सिलेबस में ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है जहां पर आपको अंक ना मिले, बट जो आपके सिलेबस है कम से कम उसको तो बेहतर लिखने आना चाहिए। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे ना हो, आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा और इन प्रश्नों को आप उसी अनुरूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो बातें आपको इसमें रिक्वायर्ड रहेगी, कोई भी टॉपिक को देख के क्या आपका उसका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उस क्वेश्चन में आप डालेंगे। मैं सीधा एग्जाम्पल पर आता हूं, जैसे हमारा पहला टॉपिक जो आता है रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य, ये दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो कोई रिएक्शन मान लो होता है, मैं इस क्वेश्चन को ड्राफ्टिंग करूंगा लेकिन पहले मैं थोड़ा जनरल कंसेप्ट बता देता हूं। जनरल कंसेप्ट बताने के बाद चीजें आसान होगी। देखो इमेजिन करो ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और सी और डी बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं या क्रियाकारक कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रियाकारक और इसे कहते हैं प्रोडक्ट यानी क्रियाफल कहते हैं। अब क्या है, दोनों के दोनों ए और बी हाईली रिएक्टिव होंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे तब आसानी से रिएक्शन होगा। जैसे सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, दोनों को जैसे सोडियम को आप ओपन रख दोगे तो वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है, इसलिए सब मिट्टी के तेल में डुबो के रखना पड़ता है। तो ये तब की प्रक्रिया है जब दोनों आसानी से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और सीओडी बना रहे हैं, ये पहला कंडीशन होगा। अब एक कंडीशन ऐसा है जो ए और बी को देखते हैं वो दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर दे देते हैं, तो अब क्या बनेगा, सीओडी बनेगा। फिर से वही बात, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा कंडीशन कि अगर ए और बी है, दोनों रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा गर्म करने पर भी रिएक्शन नहीं करते, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम यहां पर कैटलिस्ट डाल देते हैं, उत्प्रेरक डाल देते हैं, तब क्या हमको सी और डी प्राप्त होता है। तो फिर से मामला क्या है, इजिली रिएक्शन नहीं करने के कारण क्या है, उनमें हमको एक्सटर्नल तरीके से कुछ चीजें उसमें डालनी पड़ रही है, चाहे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर मॉलिक्यूल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आ जाती है, जल्दी से टकराते हैं और टकराने के बाद फिर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाते हैं, तो ये वाला मामला है, ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन में ये चीजें होती हैं, एक सामान्य अभिक्रिया में होती है। अब प्रश्न को डील करते हैं, आज प्रश्न को डील करते हैं कि दो नंबर का प्रश्न है, रासायनिक साम्य क्या है और इसे संक्षेप में वर्णन करिए। रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम चार तरीके से लिख सकते हैं, चार तरीके से लिख सकते हैं, चारों चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन पहला इसका कंसेप्ट समझिए। देखो ये रासायनिक साम्य आपको दो नंबर में भी पूछा गया है वर्ष 2019 में, और इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा आगे देखें, आगे के प्रश्नों में यहां पर बात करें तो एक वर्ष ऐसा आया है कि यहां से ये आठ नंबर का क्वेश्चन भी आया है, ये जो है आपका 2020 में आया है।
तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दूं, तो 8 और 2 नंबर दोनों आपका क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो हम इस चीज को समझते हैं यहां पर सीधा। पहला जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, जैसे ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट है यानी क्रियाकारक है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है सी और डी यानी उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, सी और डी फिर से रिएक्शन करके क्या बना देगा, ए और बी बना देगा। ए और बी को हमने क्या कहा, क्रियाकारक कहा, इसको हमने कहा रिएक्टेंट कहा। और हम बात करते हैं दूसरा कि सी और डी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं यानी प्रोडक्ट कहते हैं, ये प्रोडक्ट है। क्रियाकारक से उत्पाद बनना ये क्या होता है, ये अग्र अभिक्रिया कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और यहां पर सी और डी से ए बी बनना यानी उत्पाद से वापस क्रियाकारक बनना ये क्या होता है, पश्च अभिक्रिया यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होता है। अब ये जो आपका रिवर्सिबल डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद से क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से क्रियाकारक बनता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये कंटिन्यूअसली दो बोथ डायरेक्शन में होते रहती है, ठीक है। तो यहां पर हम अब यहां पर डिस्कस करें, यदि पूछा जाए कि बेसिकली रासायनिक साम्य क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं, तो हमको यहां पर इस प्रकार लिखना होगा। कई तरीके से, मतलब मैं 4 तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी आपको आइडिया पसंद आएगा आप किसी को भी लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तय है, ठीक है। इसमें पहला मैं कहता हूं अग्र अभिक्रिया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और पश्च अभिक्रिया यानी बैकवर्ड रिएक्शन। जब मैं कहता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पर कहते हैं अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया की दर। ये पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है, पहले तरीके से लिख रहे हैं। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, हम कहते हैं कि क्रियाकारकों की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता यदि बराबर रहे तो भी उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम कहते हैं, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर कहते हैं क्रियाकारकों की सांद्रता, क्रियाकारकों की सांद्रता बराबर क्रियाफल की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्रियाफल की सांद्रता, ये दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तीसरे तरीके से इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसको शब्दों में पिरोना है बस। रासायनिक वह अभिक्रिया जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है रासायनिक साम्य कहलाता है, ठीक है। या दूसरे तरीके से कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता और क्रियाफल की सांद्रता बराबर होती उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य कहते हैं, है ना। ये बातें सब दोनों को समझ में आ गई। अब यहां पर तीसरा तरीके से किस प्रकार लिखें, ये आप देख रहे हैं रिएक्टेंट है, ये देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है। तो तीसरा तरीका भी बहुत ही सरल तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रियाकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की दर यदि समान हो तो उसे भी हम कहते हैं रासायनिक साम्य, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, क्रियाकारक से उत्पाद बनना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, है ना, हम कहते हैं रेट ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ मेकिंग ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हम कहते हैं उसे कहते हैं दैट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये समझ नहीं आया, फिर से सुन लो, क्रियाकारक से उत्पाद बनना, उत्पाद बनने की दर बराबर उत्पाद से है ना आपका क्रियाकारक बनने की दर यदि क्या होगा, समान है तो अब उसे भी हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, 8 नंबर में जब पूछा है तो सबको लिखना है क्योंकि ये इसका लक्षण भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ना। और यहां पर बात करते हैं चौथा, कि
साम्यावस्था जो प्राप्त होती है, इक्विलिब्रियम जब प्राप्त होती है, ऐसा लगता है कि क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक जब बन रही है, ऐसा लगता है ये रिएक्शन स्थिर हो गई है, एक जगह क्या हो गई, स्टेबल हो गई है। लेकिन वास्तव में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। यह क्या है? गतिज साम्य है। यह क्या है? गतिज साम्य है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम है, जिसमें ना ऊर्जा बाहर से ली जाएगी, ना ऊर्जा बाहर से दी जाएगी। ठीक है, ना बाहर रिलीज होगी ना अंदर जाएगी, मतलब वहां पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होता है। एनर्जी नॉर एंटर्स नॉर रिलीज, यहां पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, अगर देखो बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी जाएगी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, है ना। और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिख सकते हैं चाहे तो, अगर आपको 8 नंबर में लिखना है ना, तो 8 नंबर के हिसाब से यदि लिखना है तो यहां पर एक बात समझनी होगी, ये जो काइनेटिक इक्विलिब्रियम है और यहां पर आपको एक प्राप्त होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं के, है ना, के कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इसे कहते हैं साम्य स्थिरांक। यहां पर नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, साम्य स्थिरांक से हम पता लगा लेते हैं कि अभिक्रिया कब जो है साम्य को प्राप्त किया। ठीक है, इसको आगे के सेशन में आगे के क्वेश्चन में देखूंगा, लेकिन आप क्या देखेंगे, रासायनिक साम्य क्या है, चारों को किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका संक्षेप में वर्णन करना है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ भी फिर से मैं कहूंगा, 3 तरीके से ग्राफ बताता हूं, तीनों में से कोई भी ग्राफ लिखेंगे तो आसानी से चीजें क्लियर हो जानी है। ठीक है, क्या रेडी है ग्राफ के लिए? देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पीएससी में आने ही वाला है क्वेश्चन, है ना, ये बात समझ लीजिए। देखो एक सामान्य अभिक्रिया में, सामान्य अभिक्रिया में ग्राफ कैसे होता है, सामान्य अभिक्रिया में जिसमें ए जो है बी से रिएक्शन करेगा और सी प्लस डी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप समझो एक ग्लास पानी ले लो, उसमें नींबू का रस निचोड़ो, उसमें थोड़ा सा सुगर डालो, थोड़ा सा आप सॉल्ट डालो, फिर चम्मच से घोलो, तो क्या क्या चीजें मिलाया, पानी, लेमन जूस, सुगर और थोड़ा सा सॉल्ट, ये चारों के चारों क्या हो गए, चारों के चारों रिएक्टेंट हो गए। चारों के मिलने के बाद क्या बना, शरबत बना, नींबू का शरबत बना, तो वो प्रोडक्ट बना। बात समझ में आ रही? क्या शरबत से फिर उस सुगर, नींबू का रस और सुगर आपके सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हो? लगभग इम्पॉसिबल कहेंगे, कठिन है कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, लिक्विफाइड हो गया है। तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, आपका क्रियाकारक की सांद्रता है, क्रियाकारक की सांद्रता है, हम कहेंगे इसको कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुरू में क्या था, बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे ए और बी, मतलब आप ए बी को वो सब चीजें ले लो, आप इसको पानी ले लो, इसको शुगर ले लो, ठीक है, या और कुछ लेना चाहे तो सी और डी भी कर सकते हो। कुल मिला के ए एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद, एक क्रियाकारक है, बी एक क्रियाकारक है, ये दोनों रिएक्टेंट है। अब देखो ये दोनों रिएक्शन करने लगा और रिएक्शन करने के बाद इसका कंसेंट्रेशन घटने लगा। आप कहेंगे क्यों घटने लगा? अरे भाई वो सी और डी बनने लगा ना, पानी में शुगर आप देखते मिलाते तो मिलने घुलने लगता है ना, तो प्रोडक्ट बनने लगता है, शरबत बनने लगता है ना। तो हम कह रहे हैं इनका कंसेंट्रेशन घटते गया। एक ना एक कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जब देखते हैं ये इक्विलिब्रियम टाइप का, ये इस प्रकार स्थिर हो गया। यहां पर देखते हैं अब इसकी सांद्रता नहीं घट रही है, यानी शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल गया और इसे नहीं घोला जा सकता, तो हम शरबत पूरी तरह से बना चुके हैं। तो ये एक सामान्य अभिक्रिया है। अब यहां पर मैं इक्विलिब्रियम के 3 ग्राफ को बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम के 3 ग्राफ को यहां पर आपको समझना है। पहला, रासायनिक साम्य के ग्राफ, और ये ग्राफ को आपको बिल्कुल लिखना ही लिखना है, चाहे एक पूछे दो पूछे, आपको तीनों को ड्रॉ करना है। देखो इधर देखो, सेम चीजें बना देते हैं, वाई एक्सिस में हम कंसेंट्रेशन ले लेते हैं जैसे इधर लिए थे, ठीक है। क्रियाकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, और इधर क्या ले लेते हैं, ये हमारा जो है समय है टी, इधर क्या ले लेते हैं, समय है टी। अब दूसरा ग्राफ इस प्रकार यहां पर लिख लो और तीसरा भी यहां पर लिख लो, मैं फिर तीनों को समझा देता हूं, हम तीनों को समझ लेते हैं। ये क्या है आपका, फिर से मैं लिख देता हूं, क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका, समय हो गया, ये टाइम हो गया।
इधर भी सेम हो गया, ये समय और टाइम हो गया, और यहां पर ये कंसेंट्रेशन और यहां पर ये समय यानी टाइम हो गया। अब देखो तीनों में से तीनों ग्राफ को आसानी से समझिए। इमेजिन करिए एक रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन इस प्रकार हो रहा है, ये रिएक्शन इस प्रकार हो रहा है कि ए और बी दोनों रिएक्शन करते हैं, और जब इक्विलिब्रियम होगा तो इस प्रकार रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इस प्रकार दोनों तरफ से अनुत्क्रमण उत्क्रमणी वाला सिंबल होगा जिसमें सी और डी हमको प्राप्त हुआ। बातें समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब यदि मैं इसको क्या करूं, ड्रॉ करूं इस प्रकार, जब ए और बी रिएक्शन करना चालू किया तो सी और डी बनाना चालू किया कि नहीं, तो चलो इसका कंसेंट्रेशन घटते जाएगा कि नहीं, यस और नो, आप कहेंगे घटते गया, तो कहां पर आया, इस प्रकार आ गया। जैसे जैसे ए और बी रिएक्शन करेगा तो क्या बनने लगेगा, उत्पाद बनने लगेगा, प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो शुरुआत में प्रोडक्ट कुछ नहीं था, धीरे धीरे बना बना, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये ओवरलैप्ड हो गया। यही वाला पार्ट जो है ये है इक्विलिब्रियम, जिसमें कि क्रियाकारक और क्रियाफल, ये क्या है, प्रोडक्ट का है और ये क्या है, रिएक्टेंट का है ना, ये क्रियाकारक का है और ये उत्पाद का है। ये दोनों को जब हम देखते हैं इस प्रकार, तो यहां पर हम देखते हैं ये आपको इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ। पहला कंडीशन समझ में आया। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि फिर से ए और बी रिएक्शन करके सी और डी बनाया, तो घटाते चलो इस प्रकार, घटाते चलो इस प्रकार, ये देखते हैं कि ये आ गया। अब उत्पाद बनना चालू होगा, प्रोडक्ट बनना चालू हुआ, और इसके बाद ये क्रॉस कर गया, और फिर देखते हैं कि यहां पर ये ऐसा आ गया, है ना। अब इस कंडीशन में ये फिर से इक्विलिब्रियम हुआ। कैसे इक्विलिब्रियम हुआ, देखो यहां पर देखते हैं ये डिक्रीज हो रही, यहां पर इंक्रीज हो रही, लेकिन इस जगह पे जाने के बाद यहां तक देखते हैं ये तो भाई इसका और इसका अनुपात तो सेम है। अरे अनुपात नहीं समझते क्या, देखो 20/10 बराबर 10/5 करूंगा तो क्या है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर ये हुए कि नहीं, भले समान नहीं है लेकिन उनका अनुपात समान है कि नहीं। तो क्रियाकारकों की सांद्रता का अनुपात और क्रियाफल की सांद्रता का अनुपात भी सेम होगा, तब क्या है, उसे भी हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। बात समझ में आई। तीसरा क्या होगा, देखते हैं, ऐसा होता है कि ए और बी फिर मिलके सी और डी बनाना चालू किया, चलो देखते हैं यहां पर ये बनाना चालू किया और यहां पर इस प्रकार प्राप्त हुआ। फिर से देखते हैं कि प्रोडक्ट बनना चालू हुआ और उसके बाद देखते हैं यहां पर ये आके स्थिर हो गया। फिर से वही बात, ये भी कंडीशन देख रहे हैं, यहां पर जितना रेशियो है यहां पर उतना रेशियो सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये आपका रासायनिक साम्य के ग्राफ को तीन तरीके से इस प्रकार आप बना सकते हैं। मैं फिर से कहा, रासायनिक साम्य अति इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, श्योर शॉट आपके पेपर में पूछा जाना है, तो इसको लेकर आप कोई कंफ्यूजन ना रखें कि ये प्रश्न को हल्के में लेंगे आप, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई, ये रासायनिक साम्य है और ये सामान्य अभिक्रिया है। रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार का इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ, ए और बी मिलके सी डी बनाया, सी डी मिलके वापस ए बी बना दिए, और दोनों का कंसेंट्रेशन सेम, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम, दोनों में इधर का कंसेंट्रेशन इधर का कंसेंट्रेशन का वो है कांस्टेंट वैल्यू मिला, एक नियत मान मिला। बात समझ में आई। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप बड़े रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पर आपको प्रश्न के उत्तर अगर आप लिखेंगे चार तरीके से, डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे, ये गतिज साम्य है, डेल्जी जीरो है, बाहर से एनर्जी ना ली जाती है ना दी जाती है, ये एक क्लोज कंटेनर में होता है, बंद परिपथ पाथ में होता है, बंद कंटेनर में यानी कि बंद पात्र में होता है, इस प्रकार की कुछ चीजें अगर आप लिखेंगे, ग्राफ का उल्लेख करेंगे, तो आपको मार्क्स फुल मिलने हैं। देखो ये 2 नंबर का है, लेकिन मैं इसको क्यों डिटेल में बताया, क्योंकि हम देखते हैं यही प्रश्न आपको यहाँ पर 8 नंबर में पूछा गया है। क्या ये पहला पॉइंट को आप क्लियर कर लिए, मैं दूसरा पॉइंट को डील करूं, साम्य स्थिरांक को, साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है। थोड़ा सा देखिए, अगर ए और बी दोनों रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाता है, यहां पर देखते हैं सी और डी बनाता है, सी और डी फिर रिएक्शन करके क्या बना देगा, ए और बी बना देगा। यहां पर देखते हैं ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। सभी को क्लियर है, इसमें हम साम्य स्थिरांक को देख लेते हैं, फिर कारकों के प्रभाव बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। साम्य स्थिरांक यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रभाव जो हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेसिक यहां पर समझ लेंगे, आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। चलो देखते हैं, ए और बी मिलके सी और डी बनाया, सी और डी मिलके फिर वापस ए और बी बनाया। तो गुलबर और वागे ने एक सिद्धांत दिया था, द्रव्य अनुपाति का नियम।
द्रव्य अनुपाती के नियम के आधार पर है ना, हम एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान के रूप में इसे कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है जिसमें आपको कोष्टक यूज करना होता है। मैं इसको बता देता हूं। अगर है ना यहां पर द्रव्य अनुपाती नियम या फिर कहेंगे एक्टिव मास के कंसेप्ट से, एक्टिव मास के कंसेप्ट से हम यहां पर कैसे लिखते हैं सक्रिय द्रव्यमान, इसको कहा जाता है सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। अब इस थ्योरी को मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप सीधा सीधा लिखेंगे जो द्रव्य अनुपाती नियम होता है वो सीधा सीधा क्रिया कारक और क्रियाफल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल टू के बराबर होता है ना, क्रियाकारकों और क्रियाफल की सांद्रता के गुणनफल के बराबर सक्रिय द्रव्यमान होता है। तो इस सक्रिय द्रव्यमान को हम कैसे लिखते हैं, एक्टिव मास के हिसाब से कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमको यहां पर समझना होगा अग्र अभिक्रिया की दर के लिए। यहां पर इस चीजों को समझ लो, ये आपके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी किताब में जो मैं बता रहा हूं यहां पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिव मास के हिसाब से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अग्र अभिक्रिया की दर है ना, इसको हम कहते हैं इस प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा किसके बराबर होगा, ए और बी से क्या बन रहा है भाई, ए और बी से क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। तो जब ए और बी से सी डी बन रहा है तो अग्र अभिक्रिया की दर में यूज क्या हो रहा है, रिएक्टेंट यूज हो रहा है। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ए और इस प्रकार ये बी, एक्टिव मास में इस प्रकार बड़ा कोष्टक लिया जाता है, बड़ा ब्रैकेट लिया जाता है ना। तो यहां पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं ये सेम चीजें हो जाएगी जो यहां पर लिखा हुआ इस प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, पश्च अभिक्रिया की दर भी होगा, पश्च अभिक्रिया की दर भी होगा इस प्रकार। और पश्च अभिक्रिया की दर मतलब यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां पर आ जाएगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड फिर से प्रोपोर्शनल टू करेंगे क्या होगा, क्या बना भाई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो फिर सी और डी मिल के ए और बी बना रहा है, तो क्या यूज हो रहा है, सी डी यूज हो रहा है। हमने कहा ना अभिक्रिया में भाग लेने वाले चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो उनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो गुणनफल है कि नहीं, यहां पर बीच में प्रोडक्ट है कि नहीं, इसका बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब जब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इक्विलिब्रियम की स्थिति में, अब यहां कहेंगे साम्य की स्थिति में, साम्य यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति में हम क्या कहेंगे, क्या मैं फॉर्मूले के आधार पर या डेफिनेशन के आधार पर यह कह सकता हूं कि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कह सकता हूं, कहां से कह सकता हूं, यहां से कह सकता हूं, इसके डेफिनेशन के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं वहां लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर होती है, तो मैं वहां पर उसको लिख देता हूं, किसको लिख देता हूं, इस चीज को लिख देता हूं। तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर एफ इक्वल टू आर बी, है ना। अब इधर देखो थोड़ा सा अगर अभिक्रिया प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर अभिक्रिया के लिए एक वर्ड यूज करूंगा के एफ इज इक्वल टू ए और बी, ऐसा लिख दूंगा। आप कहेंगे क्यों लिख रहे हैं भाई, अग्र अभिक्रिया की दर है ना एक्टिव मास के रोल के हिसाब से ए इंटू बी कर दिए हमने, ए इंटू बी कर दिए प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा के यहाँ पे लिख दिए, और ये के एफ क्या है, के एफ जो है प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए समानुपाती हटाने के लिए कॉन्स्टेंट कहते हैं निकाले, और ये क्या है अग्र अभिक्रिया की दर के लिए साम्य स्थिरांक है। उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, के बैकवर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिक्रिया की दर के लिए क्या हो जाएगा, आपका साम्य स्थिरांक हो जाएगा, है ना। अब के एफ इक्वल टू के बी, है ना, यहां पर बात समझ में आई है। अब के अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या होती है, बराबर होती है, हमने डेफिनेशन के हिसाब से सोचा। अब आर एफ और आर बी की वैल्यू को हमको यहां पर पुट करना है, ये क्या है, अग्र अभिक्रिया की दर को मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखो क्या देख सकते हैं, अग्र अभिक्रिया की दर यही तो आर एफ है ना,
आर एफ इक्वल टू के एफ इंटू ये कर दिए, उसी प्रकार पश्च अभिक्रिया किधर के लिए आर बी कर दिए, और यहां पर आर बी इक्वल टू के बी इक्वल टू सी इंटू डी कर दिए इस प्रकार। अरे भाई इसके लिए हमने आर एफ किया, इसके लिए हमने आर बी किया, ये अग्र अभिक्रिया की दर है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इसलिए आर एफ आर बी कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये अलग चीज है, ये क्या है अग्र अभिक्रिया की दर का साम्य स्थिरांक, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बातें समझ में आई। तो क्या मैं आर एफ इक्वल टू आर बी की जगह उनकी वैल्यू रख सकता हूं, आर एफ की वैल्यू क्या है लिखो, के एफ है ना, के एफ, और यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं ये, अच्छा ये प्रपोज ये हो जाएगा आपका आर एफ इक्वल टू यहां पर के बी, ऐसा लिख सकते हैं हम, दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहां पर, अब दोनों की वैल्यू को पुट करना है, इसकी वैल्यू क्या है, के एफ की वैल्यू क्या है यहां पर, तो यहां पर कहते हैं इसकी वैल्यू तो ऐसा है भाई कि ए और यहां पर बी है, इसकी वैल्यू क्या है यहां पर, इसकी वैल्यू क्या है, हम कहते हैं सी है और डी है, ठीक है। क्या मैं, अच्छा ये क्या है प्रोपोर्शनल, ये क्या है गुणा चिन्ह है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन चिन्ह हटाने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा उसका मल्टीपल में ही होगा है ना, ये बराबर का चिन्ह डाल दिया था, उसको प्लीज करेक्ट कर लें, माइनर सा मिस्टेक है, हटा देता हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम बिल्कुल अपने कंसेप्ट को फॉलो करें, हम एक भी चीज रट नहीं रहे हैं बल्कि हम समझ रहे हैं, ठीक है। हम उसी वैल्यू को यहां रख दिए, ठीक। अब मैं क्या के एफ इक्वल टू के बी लिखा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं है ना, सी डी अपॉन क्या है ए बी, इस प्रकार लिख सकता हूं, यस और नो। आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखेंगे भाई, आपको ये 8 नंबर का प्रश्न है, आप पहले डिराइव नहीं भी करोगे तो कुल मिला के साम्य स्थिरांक तो समझ लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो समझ लें, इसके बाद चीजें आसान हो जानी है। चलो अब के एफ इक्वल टू के बी मतलब अग्र अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैं क्या कैपिटल के लिख सकता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी और डी क्या है, सी और डी को यहां पर क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट है कि नहीं, ए और बी क्या है, ये क्रियाकारक है कि नहीं, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, यानी कि ये उत्पाद है, ये क्रियाकारक है, तो हम यही तो कह रहे हैं, यहां पर हमने उत्पाद लिख दिया और यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहां पर क्रियाकारक लिख दिया। अब दोनों को इस प्रकार हम देखते हैं, तो अब इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि के की वैल्यू कब जीरो मिले, वन मिलेगी, कब वन से नीचे मिलेगी, कब वन से ऊपर मिलेगी, और उसी के का प्रभाव हमको लिखना है, उसका प्रभाव लिखना है, के को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बताओ आगे, ठीक है। अच्छा बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको अपकमिंग क्लास में भी हम कवर करेंगे, ठीक है, बस बने रहना आप लोग, आप लोग को मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू एग्जाम में आ जाएगा। चलो देखते हैं के का संभावित मान, के का संभावित मान यानी कि हम इसको कौन प्रभावित करेगा उसकी बात यहीं से जान लेते हैं। के बराबर क्या है, उत्पाद बटे क्या है, उत्पाद बटे क्रियाकारक है, ठीक है, उत्पाद यानी कि यहां पर हमने कहा प्रोडक्ट और अपॉन क्या है, हमने कहा रिएक्टेंट। अब कब इसकी वैल्यू वन मिलेगी बताओ, तीन कंडीशन होगी, के इज इक्वल टू वन, के इज ग्रेटर देन वन, के इज लेस देन वन, ये तीन चीजों को समझें आप लोग, इसमें बहुत कुछ एनालिसिस छुपा हुआ है कि के की वैल्यू कब प्राप्त होगी वन, जब उत्पाद और क्रियाकारक दोनों बराबर होगा, तो हम यहां पर क्या कहेंगे उत्पाद और यहां पर क्या कहेंगे क्रियाकारक कहेंगे, ऐसा कर देंगे हम, ठीक है, तब इसकी वैल्यू नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तो वैल्यू वन ही मिलेगी, क्या मिलेगी ना, ठीक है क्लियर हो गया। अब दूसरा कंडीशन में कि के की वैल्यू क्या है वन से ज्यादा कब मिलेगी, जब उत्पाद ज्यादा होगा, तो हम यहां पर कहेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट या क्रियाकारक, हम यहां पर इस प्रकार कह देते हैं, तो यहां पर ये बना। उसके बाद देखते हैं के इज लेस देन वन, तो यहां पर हम कहते हैं कि जब क्या है ऊपर का वैल्यू छोटा नीचे की वैल्यू बड़ा, तो इसकी वैल्यू वन से नीचे मिलेगी कि नहीं, अरे भाई 5/10 मतलब वन से नीचे मिला कि नहीं,
ठीक है, तो वही बात तो बता रहा हूं, है ना, वही बात मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कि चीजों को समझना होता है। ठीक, तो यहां पर तीसरा चीज क्या हो जाएगा, यहां पर उत्पाद क्या हो जाएगा, इस लेस देन क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट या क्रियाकारक। ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है, और प्रभावित करने वाले कारकों को अब यहां वन बाई वन देखिए, चार चीजें मैं बताऊंगा। देखो, उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक बस क्या करता है, कैटलिस्ट क्या कहते, किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर बढ़ा देगा मतलब वो ए से बी रिएक्शन करके सी डी बनने में वो स्पीड बढ़ा देगा, और सी डी से ए बी बनने में भी स्पीड बढ़ा देगा। यानी अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ा रहा है, पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ा रहा है, मतलब उत्प्रेरक का साम्य स्थिरांक पर समान प्रभाव पड़ता है, जिसका असर ये होता है कि हमको इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त होती है। तो साम्य स्थिरांक कहेंगे, उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ा देती है, बढ़ा देती है, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त होती है, जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा, इक्विलिब्रियम पर या के का, के को कौन कौन प्रभावित करते हैं, तो हम कहेंगे ताप बढ़ाने पर क्या होता है, के का मान बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद के बढ़ाने पर हम देखते हैं दाब बढ़ाने पर भी क्या हो जाता है, दाब बढ़ाने पर भी क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बदल जाता है, बढ़ जाता है। अगर सांद्रता बढ़ाया जाएगा तो K की वैल्यू, अगर सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर, भाई पर आप सोचो ना, पर यूनिट एरिया में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, मतलब आपस में अणुओं की संख्या पास पास होगी, आपस में टकराने लगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन करने लगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन करने लगे मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी मिलेगा, मतलब K की वैल्यू क्या है, इस पर भी निर्भर करती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर भी क्या हो जाएगा, के की वैल्यू जल्दी प्राप्त होगी। ठीक है, इसका मान भी बदलेगा। अब एक नया चीज आप नोट कर लीजिए जो आपको एग्जाम में काम आएगा, के का मान घटेगा या बढ़ेगा तो उसका क्रियाकारक और क्रियाफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जो आपको किसी किताब में आसानी से नहीं मिलेगी, और ये बहुत अच्छी चीज है जिसको कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है किताब में। अगर हम कहते हैं के का मान घटा, के का मान घटने पर क्या प्राप्त होता है, के का मान यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर घटती है, जैसे हम देख रहे हैं एक से ज्यादा है, एक से कम है, एक के बराबर है, मान लो इसकी वैल्यू घटती है, तो के का मान यदि घटता है तो क्रियाकारकों का स्थायित्व बढ़ता है, तो बढ़ने पर क्या होगा, रिएक्टेंट का कि स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या समझे, के की व्हेन के वैल्यू इज इंक्रीज डिक्रीज देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज। के का मान बढ़ने पर हम देखते हैं कि क्रियाकारक का स्थायित्व बढ़ता है। और दूसरा पॉइंट, ऐसे वैल्यू एडेड कंटेंट लिखा करें, आपको बहुत एग्जामिनर को या चेकर को इंप्रेस कर देंगे आप। तो के का मान अगर बढ़ जाए, बढ़ने पर इस बार क्या है, उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा। ये बातें आपको जाननी है, समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीजें मैं बता रहा हूं एग्जाम में आपको लिख के आइएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो प्रश्न को हम डील कर रहे हैं जो आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई, कितने सारी चीजों को हमने लिख लिया, 8 मार्क्स के हिसाब से आपको नंबर कहाँ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटना है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। मैं हालांकि 15 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से डील कर दिया, मतलब अगर आप जगह के हिसाब से अगर सोचा जाए, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 4 तरीके से लिखेंगे, फिर इसको मैंने डिराइव भी कर दिया, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी बता दिया। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न और डील करते हैं, है ना, वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसका मात्रक क्या है 2 नंबर का। अब 2 नंबर को हम 2 नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, चाहो तो उसे 4 या 8 में भी आप डील कर सकते हो, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पर इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं लिखा है,
जिस अभिक्रिया की दर लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं ए और बी जो क्या है क्रियाकारक है रिएक्टेंट है वो क्या बना देता है सी और डी बना देता है, ठीक है। लेकिन सी और डी वापस ए और बी नहीं बनाता, तो हम यहां पर एक्टिव मास का रूल वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम यहां पर सीधा इसको ग्राफ के बेस पे इस प्रकार लिखेंगे, फिर हम डेफिनेशन भी बता देते हैं। देखो जैसे जैसे ए और बी रिएक्शन करेगा इनकी सांद्रता घटते जाएगी और इनकी सांद्रता बढ़ते जाएगी। अरे पानी रखे हो, एक गिलास पानी रखे हो, उसमें नींबू रस डाले या फिर उसमें सुगर या सॉल्ट डाले, तो धीरे धीरे वो क्या है पानी में सॉल्युबल हो जाएगा ना, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी लिख सकता हूं, डिक्रीजमेंट इन द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट या चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो परिवर्तन कौन सा, बढ़ा या घटा, तो हम कहेंगे घटेगा। कितने समय में, एक निश्चित समय में घटेगा। और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर मैं क्या करूंगा उत्पाद लिखूंगा, तो यहां पर इंक्रीजमेंट लिखूंगा, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। शरबत बन गया कि नहीं, शुरुआत में शरबत कहां बना था, आपने पानी और शुगर और नींबू का रस और थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया तब जाके शरबत बना ना, शुरुआत में जब नहीं मिलाए थे तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, जैसे जैसे मिक्स करते गए प्रोडक्ट बनता चला गया और सांद्रता प्रोडक्ट की सांद्रता यानी उत्पाद की कंसेंट्रेशन वो बढ़ती चली गई। कितने समय में, एक निश्चित समय में, हम टाइम लिख देते हैं। अब दोनों को ये कमी है और ये वृद्धि है, ये डिक्रीजमेंट है इंक्रीजमेंट है, मैं उसको एक शब्द क्या लिख सकता हूं, चेंज वर्ड लिख सकता हूं, परिवर्तन लिख सकता हूं। तो किसी अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की दर कहने का मतलब क्या है कि क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। आई रिपीट अगेन, फिर इंग्लिश में कह दूंगा कि क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को, दर मतलब नीचे टाइम आ गया है ना, उत्पादन की दर परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बातें समझ में आई, यहां पर ये चीजें समझ में आया तो इसको एक शब्द में ऐसा लिख दूं, है ना, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट इज कॉल्ड आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो आप यहां पर लिखेंगे क्रियाकारक अथवा कर देंगे या लिख देंगे, या क्रियाफल या उत्पाद भी लिख सकते हो, क्रियाफल की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है ना, हम कहते हैं होने वाला परिवर्तन की दर को, यानी कि समय नीचे आएगा ही आएगा है ना, इसको हम कहते हैं अभिक्रिया की दर है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर इसे हम कहेंगे। बातें समझ में आई, अब इसको आप लोग याद रखना है ना, ऐसा लिखोगे। अब इसको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाने से आपका क्वेश्चन का वैल्यू एडिशन होगा। तो देखो ऐसा कर दिए, ये क्या है आपका वाई एक्सिस में क्या है, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, क्रियाकारक का है ना, और जैसे जैसे ए और बी रिएक्शन करना चालू हुआ उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगा, तो हम घट के यहाँ पर लिख दिए, तो ये क्या बनेगा, ये रिएक्टेंट। अब भाई प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, हम प्रोडक्ट को हम यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट बनेगा तो आप यहां पर लिख सकते हो ऐसा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये वाला जो है आपका, ये नीचे घट रहा है और ये बढ़ रहा है, ये वाला किसका हो जाएगा, उत्पाद का हो जाएगा, और ये वाला किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट का हो जाएगा, इस प्रकार ये आप लिख लेना, ठीक है, बात समझ में आई। किसी अगर कोई कंफ्यूजन पूछ लो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मात्रक लिखा है, मात्रक तो बच्चों वाला खेल है, कंसंट्रेशन को किससे मापते हैं, मोल से मापते हैं, है ना, पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम पर सेकेंड,
है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, इस सांद्रता को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल। मोल हमेशा क्या होता है, लीटर में मापा जाता है ना, मोल है ना, प्रति लीटर, प्रति लीटर। और यहां पर समय है तो पर सेकेंड हो जाएगा, तो प्रति सेकेंड हो जाएगा इस प्रकार, है ना। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बातें क्लियर है सभी को, ठीक है। तो दो नंबर में आपको तीन चीजों की अपेक्षा की जाती है। आप पहले इसको शब्दों में लिखें, शब्दों में लिखने के बाद चाहो तो इस प्रकार फॉर्मूला में लिख लो। आप मात्रक तो पूछा ही सेपरेटली, ग्राफ आपको पूछे चाहे मत पूछे, आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बनता जा रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, है ना। यहाँ पर रासायनिक साम्यावस्था, साम्य स्थिरांक देखो, जैसे 2021 में पूछा है, क्या है, वही है केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उधर इक्विलिब्रियम पूछा है, इधर के को पूछा है। अभिक्रिया दर नियतांक 2022 में फिर रिपीट कर दिया, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम फिर से पूछा है। आप इस चीज को देखो, हर साल पूछा जा रहा है, 21 में पूछा गया, 20 22 में पूछा गया, इधर देखते हैं 18 कहां गया, 20 में पूछा गया, है ना। तो प्रतिवर्ष यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस प्रश्न को हम डील कर सकते हैं, जैसे मिश्र धातु एवं अमलगम को परिभाषित कीजिए, दोनों के उदाहरण दीजिए, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अमलगम के बारे में थोड़ा चीजों को समझें, जाने क्या होता है। दो चीजें पूछी गई है, मिश्र धातु यानी एलॉयस और दूसरा अमलगम। अमलगम के बारे में याद रखना, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल यानी धातु है, उसके साथ क्या जोड़ दो, मरकरी जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। एकदम बच्चों वाला प्रश्न रहता है यहां पर। देखो अमलगम एक्चुअल में देखा जाए, अमलगम कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता, ये प्रश्न भी जानना होगा। अच्छा मरकरी क्या है, मरकरी क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, क्या है बताओ, एकमात्र ऐसा मेटल जो किस फॉर्म में है, जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, हम कह सकते हैं। तो मरकरी तो मेटल है, धातु है। तो मिश्र धातु और अमलगम को मैं अगली स्लाइड में समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग देखना समझना इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। इमेजिन करो हमको मिश्र धातु बनाना है, कौन सा मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु। तो मैं उसका फॉर्मूला इस तरह से कहूंगा, मान लो एक्स एक मेटल है और वाई भी एक मेटल है, दोनों मेटल के मिलने से क्या बना, एलॉयज बना, और ये एलॉयज का नाम क्या है, मान लो जेड मान लेता हूं, ठीक है। दो धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु मिले बना, द मिक्सचर ऑफ टू मेटल मेक्स द एलॉयस, ठीक है। कौन सा मिक्सचर, तो वो समांगी होगा कि विषमांगी होगा, वो होमोजीनस होगा कि हेट्रोजीनस होगा, है ना। यहां पर बातें अलग होती हैं, सबका इक्वल परसेंटेज हो जरूरी नहीं है। तो मिश्र धातु या एलॉयस किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से हमको प्राप्त होने वाला उत्पाद मिश्र धातु कहलाता है। क्या इसमें अधातु यानी नॉन मेटल नहीं मिलाएंगे, मिला सकते हैं, लेकिन मेटल का होना कंपलसरी है। मैं दोनों का उदाहरण बता देता हूं, देखो फिर अमलगम भी बता देंगे, है ना। द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल मेक्स द एलॉयस। और यहां पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इधर भी ये भी मेटल ले लो और ये भी मेटल ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात बता देता हूं, एलॉयस कौन बनाते हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट सर्वाधिक क्या बनाते हैं, एलॉयस बनाते हैं। मिश्र धातु जनरली क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ही ज्यादा बनाते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर जो एलॉयस वाला है। जैसे अक्सर मैं वही एग्जांपल देता हूं कि आपके पास क्या है, आपके पास मान लो पीतल है और आपके पास क्या है, कांसा है, ठीक है। यहां पर देखते हैं कांसा और पीतल, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज और पीतल यानी कि ब्रास, ठीक है। दोनों में क्या होता है, कॉपर कॉपर कॉमन होता है। इसका एस कीवर्ड ले लो, इसका जेड कीवर्ड ले लो, तो जो कीवर्ड पकड़े हैं उसका जस्ट अपोजिट लिखना है। तो एस कीवर्ड है तो एस का अपोजिट जेड, और जेड कीवर्ड है तो जस्ट का अपोजिट एस, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे हम, अगर हम ब्रास को लेते हैं तो ब्रास किससे मिलके बना होता है भाई, कॉपर तो रहता ही है और ब्रॉन्ज में भी कॉपर तो रहता ही है, लेकिन ब्रास की स्पेलिंग में एस है तो एस का अपोजिट जेड यानी कि हम जिंक ले लेते हैं, ठीक। और ब्रांच में क्या है, ये कॉपर है
और कॉपर के बाद देखते हैं कि यहाँ पे जेड क्या कहते हैं, कांसा में जेड है, ब्रॉन्ज है, तो जेड का जस्ट अपोजिट एस है, यानी कि एस एन यानी टिन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा है। एक एग्जांपल और मैं बताता हूं, जैसे स्टील, स्टील किससे मिलके बना होता है, तो मैं कहूंगा आयरन प्लस कार्बन। आप कहेंगे गलत लिख रहे हैं आप, नहीं गलत नहीं लिखे हैं, हम समझे। अगर स्टेनलेस स्टील लिखते तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, यहां पर आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम लिखते, तो ये क्या स्टेनलेस स्टील है, ये केवल स्टील है, इस्पात है और स्टेनलेस स्टील है, ये ज्यादा बेहतर क्वालिटी का, बात समझ में आई। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को आपको जानना और समझना है, जिसमें कि हम मिश्र धातु को बता रहे हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बना हुआ धातु उत्पाद क्या है, मिश्र धातु कहलाता है। अब उस प्रश्न को देखिए, अब इसमें क्या देखते हैं, कॉपर भी मेटल है, निकल भी मेटल है और क्रोमियम भी मेटल है। आपको मेटल नॉन मेटल पहचानने आता है, नहीं आता, अगली क्लास तक वेट करो, मैं सिखा दूंगा, जिसमें उस पर बेस्ड हम क्लास करने वाले हैं, है ना, यहां पर बातें समझे। लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, तो ये नॉन मेटल है, फिर भी यूज हो रहा है कि नहीं एलॉयज बनाने में, यस और नो, एलॉयज बनाने में यूज हो रहा है ना, नॉन मेटल है फिर भी कार्बन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन मेटल एलॉयज में यूज नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन मुख्यतः क्या होगा, आपका मेटल होगा ही होगा। अब बात करते हैं हम अमलगम की, अमलगम की बात करते हैं, तो किसी के दांत में अगर क्या होती है, पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो जनरली वो सोने के दांत या चांदी के दांत लगाते हैं, ऐसा सुनते हैं हम, सुनते हैं ना। अरे भाई अमलगम का मतलब तो वही है ना, अमलगम में धातु कोई होगा और प्लस क्या होगा, मरकरी होगा, इसी को अमलगम कहते हैं। अब इस बार आपने चांदी के दांत लगाए तो क्या हो जाएगा, आपने क्या मिला दिया, सिल्वर मिला दिया, उसको मरकरी के साथ मिला दिए, और इसको क्या है, डेंटिस्ट जो है दांत की फिलिंग में यूज किए, दांत की फिलिंग में हमने यूज किया। और वैसे ही हम क्या कहते हैं, अगर सोने का दांत लगाना है तो गोल्ड प्लस मरकरी लगा दिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सोने का दांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और बताता हूं, इसको भी याद रखना, कभी कभी काम आएगा, है ना, कि ये धातु अमलगम नहीं बनाते, अमलगम नहीं बनाते, बनाते, इसको भी आपको याद जानना होगा, कौन से धातु अमलगम नहीं बनाते, तो पहला नाम यहां पर लिखना है आयरन, यानी कि लोहा, इसलिए लोहे के पात्र में हम क्या रखते हैं, लोहे के पात्र में हम मरकरी को रखते हैं, अमलगम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा टंगस्टन, टंगस्टन के साथ भी क्या है, ये अमलगम नहीं बनाता। और क्या है हमारे पास, प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ भी ये अमलगम नहीं बनाता। और क्या है हमारा, टेंटेलम, है ना, टेंटेलम, इसके साथ भी अमलगम नहीं बनाता। तो ये बातें भी आपको जाननी समझनी है, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप लोग ये बात समझना है ना। आपको जैसे यहां पर पूछा है कास्ट आयरन, है ना, आपका जो है रॉट आयरन और स्टील में क्या अंतर है, क्या ये प्रश्न को भी बता दूं, सो दैट कि आज का ही क्लियर हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी प्रश्न जैसे अभी मिश्र धातु में क्या है, पीतल कांसा का संगठन लिखिए, ये 2021 में पूछा है। अभी देखते हैं अमलगम वाला 2018 में पूछा है ना, ये आयरन में डिफरेंस है, ये मेटलर्जी वाला टॉपिक आता है। एक बात और याद रखो, मेटलर्जी का टॉपिक में दो ही आपके सिलेबस में है, आयरन और कॉपर। इस बार कॉपर पूछा तो अगली बार आयरन पूछेगा, आयरन पूछा तो कॉपर पूछेगा, तो 2022 में जो पूछा है उसका जस्ट अपोजिट वाला मेटलर्जी आप करके जाएं, आपको पेपर में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेगा, एटलीस्ट अथवा में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, क्योंकि वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। 15 नंबर का क्वेश्चन या तो यहां उठाएगा या तो बायो को उठाएगा या तो आपका इसमें फिजिक्स का उठाएगा, लेकिन पूछेगा जरूर, चांसेस बहुत हाई रहते हैं, आप पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो भी क्लियर होगा, है ना। तो ये ढलवा लोहा पिटवा लोहा इस्पात में अंतर भी, आप अंतर ऐसे मत लिखना भाई डायरेक्टली, उसका कोई आधार होना चाहिए। उसका आधार कैसे होगा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहां पर तीन कॉलम बना लीजिए, तीन कॉलम बना लीजिए, इधर पहला कॉलम, इधर दूसरा कॉलम और इधर तीसरा कॉलम बना लीजिए। इसमें हम देख लेते हैं पहला,
ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है, इसको कहा जाता है कास्ट आयरन, ठीक है। दूसरा आता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, और इसे कहते हैं रॉट आयरन, रॉट आयरन। और तीसरा होता है आपका स्टील, है ना, स्टील, इसे इस्पात कहा जाता है। तीनों में अंतर, अब मैंने कहा ना उसका कोई ना कोई पैरामीटर तय कर लो, उसका एक पैरामीटर तय कर लो। तो हम जब इसका पैरामीटर तय करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले किस आधार पर आप उनको तुलना कर रहे हैं या कंपेरिजन कर रहे हैं, उनमें अंतर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे इसमें कार्बन की प्रतिशत, कार्बन की प्रतिशत हमारा पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट हम बना दिए। तीसरा इनकी स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य, ठीक है, या कठोरता हम कह सकते हैं, हार्डनेस भी कह सकते हैं, कठोरता बना दिए। अब कितने नंबर में पूछा है ये प्रश्न देख लेते हैं आप, है ना, कितने नंबर में पूछा है, 2000, ये दो नंबर में पूछा है। मेरे ख्याल से तीन अंतर भी लिखेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, सामर्थ्य लिख दिया, है ना। और चौथा, क्या इसे वेल्डिंग किया जा सकता है कि नहीं, क्या लोहा का वेल्डिंग करते हैं ना, तो इसका वेल्डिंग किया जा सकता है, तो वेल्डिंग के लिख दिया। अब यहां पर इनका टेम्परेचर देखते, कार्बन का प्रतिशत देखते हैं। तो सभी को आपको इस प्रकार तुलनात्मक जब लिखेंगे तो आपको नंबर मतलब डायरेक्टली मिल ही जाएगा। अच्छा, अब यहां पर इनके परसेंटेज या जो चीज अभी आपको देखना समझना है तो आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ढलवा लोहा, है ना, पिटवा लोहा और स्टील, सबसे मजबूत कौन होता है, स्टील होता है, सबसे मजबूत स्टील होता है। एक बात आप याद रखें, जैसे 100% सोने को हम यूज नहीं कर सकते ज्वेलरी में क्योंकि वो मुलायम होता है, वैसे 100% आयरन को भी हम यूज नहीं कर सकते, वो भी क्या होता है, मुलायम होता है। बात समझ में आई? तो हम यहां पर समझते हैं कि थोड़ा सा आयरन के साथ क्या है, कार्बन का प्रतिशत जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, 0.1 0.2 समथिंग, तो उससे क्या होती है, उसमें थोड़ी अशुद्धि आ गई कार्बन की, तो अब वो मजबूत होता है। अब वो लोहे को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन 100% शुद्ध लोहे को आप मोड़ सकते हो, ये बात याद रखना होगा। अच्छा चलो, हम समझते हैं इन बातों को, जिसमें कि अलग अलग है हमारे पास। जैसे कि हम देखते हैं कार्बन का प्रतिशत, इसमें देखते हैं 2.2 से लेकर हम देखते हैं ये परसेंटेज होता है बेसिकली 4.5%। उसके अलावा हम देखते हैं यहां पर ये क्या है, 0.10 से लेकर हम यहां पर बात करते हैं 0.25% तक, ठीक है। इसमें कार्बन का प्रतिशत देखते हैं 0.5 से लेकर हम देखते हैं 1.5% तक, ये कार्बन का प्रतिशत होता है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या है, अगर मेटलर्जी आप पढ़े होंगे तो ये 1200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहां पर शुरुआत में यदि देखेंगे इनका गलनांक कितना होता है, ये होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। यहां पर दूसरा देखते हैं वो होता है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस। यहां पर देखो कि केवल स्टील है, स्टेनलेस स्टील होता तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कई हजार में चला जाता, 3000 4000 में चला जाता है, 5000 भी चला जाता है, ज्यादा बेहतर क्वालिटी की स्टील। और यूटेंसिल या बर्तन में भी इसलिए स्टील का बर्तन सबसे बेस्ट माना जाता है ना, याद रखना। तो इसमें जो इनका जो है बेसिकली क्या है, 1300 से लेकर, जो किताबों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टील का होता है, ठीक है। अगर सामर्थ्य देखेंगे तो ये तो क्या होती है आपका बेसिकली पहला वाला जो है कठोरता जो होती है, ये कठोर तो होगा, है ना, पिटवा लोहा ये भी क्या है, कठोर तो होगा तुलनात्मक रूप से, लेकिन जब स्टील कहेंगे, स्टील के हम मोड़ सकते हैं, स्टील को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, मतलब ये कठोर भी होगा और क्या हो जाएगा, एवं क्या होते हैं, नरम भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है। अगर इनकी आकृति कहेंगे, है ना, एक और चीज जोड़ दो आप लोग नीचे सबसे, आकृति है ना इसका, शेप कैसे होता है ढलवा लोहा का, तो जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में ढाल सकते हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टली हो सकता है, ढाल सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, ढालने की इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है कि नहीं उनकी तुलना में, इसलिए तो ढलवा लोहा नाम दिया गया। पीटवा लोहा सब पीटा जा सकता है, है ना, तो पीटा जा सकता है, तो इसका जो शेप होता है जो होता है वह थोड़ा फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है, ठीक है। और इसको ये फिर से स्टील को जैसे रूप में चाहे वैसे रूप में ढाल सकते हैं, तो ये भी क्रिस्टली होता है, क्रिस्टलाइन,
ठीक है। अब वेल्डिंग किसे किया जा सकता है, किसे नहीं किया जा सकता, तो कभी भी ढलवे लोहे का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वेल्डिंग क्या पिटवा लोहे का कर सकते हैं, बिल्कुल, इसका क्या है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, और यहां पर इसे भी किया जा, इसे मतलब काफी कठिनाई से, इसे कठिनाई से वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे मेल्ट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बहुत, तो काफी कठिनाई से करना पड़ेगा, कठिनाई से वेल्डिंग होता है, इसलिए स्टील वेल्डिंग करेंगे कराने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत पैसे लगेंगे, जबकि लोहार तो सामान्य लोहे को वहीं पर कर देता है, काम बना लेता है ना, लोहे की चीजों को बनाता है ना लोहार, लेकिन जब हम जाएंगे वहां पर वेल्डिंग वाली दुकान में, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी स्टील वाला होगा तो कॉस्टली पड़ता है, बात समझ में आई है ना। तो इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर लिखे हमने, दो नंबर के लिए थोड़ा सा इसको चार नंबर के हिसाब से आंसर लिख दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री का सिलेबस, आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करें, हम हमेशा आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। इसी कारण जो है कॉम्पिटिशन कमेटी का ये संग्राम सीरीज लाया गया है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। किसी भी प्रकार की दिक्कत या डाउट या कहीं पर स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि आपको ज्यादा नंबर पाने में दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पेपर नंबर 4 एक ऐसा पेपर है जहां पर आपको सर्वाधिक मार्क्स मिलते हैं और इसको टॉपर ने भुनाया है हर बार, और आप विगत वर्षों के किसी भी ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पेपर 4 में सर्वाधिक अंक मिलेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का रेशियो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छा प्रिपरेशन करें, आप अपने पेपर में बेहतर करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। You